दो नकाबपोश चोर जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ से लगभग 1,35,000 रुपए की रकम जो है लेकर फरार हो जाते हैं। दो लड़के हेलमेट लगाकर बाइक में वहां पर में टाकीज में आते हुए दिख रहे हैं। चाकू उसके गर्दन पे टिका दिए और उसका मोबाइल भी ले लिए और लेके उसको सीधा अंदर टाकीज के अंदर में जो एक कमरा था, जो ऑनर का कमरा था, वहां पर में ले जाके उसको बंद कर दिए। उन दोनों गार्ड्स के साथ मारपीट होती है और गार्ड्स को जो है किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। हाल ही में एक मूवी पुष्पा 2 जो पूरे देश भर में जो है धमाका मचा चुकी है और इस मूवी की चर्चा हर क्षेत्र में है, हर कोने में है और इस मूवी को देखने के लिए हर क्षेत्र के लोग अपने आसपास के टॉकीज में जा रहे हैं। उसी तरह हमारे भिलाई 3 का एक टॉकीज है, मुक्ता टॉकीज, जहां पर तमाम लोग तमाम भीड़ के साथ इस मूवी को देखने आ रहे हैं। मगर इस टॉकीज से एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है, वो घटना लूट की घटना है। क्या ये घटना है मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम मनीष है और आप KP न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल यहाँ पर इस भिलाई 3 के मुक्ता टॉकीज में जो घटना हुई है वो लूट की घटना है और ये रविवार और सोमवार के दरमियानी रात की घटना हुई है। दो नकाबपोश चोर एक बाइक में आते हैं और मुक्ता टॉकीज के ठीक सामने जो है उनकी बाइक नज़र आ रही होगी। CCTV की एक फुटेज जो है सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि उस दरमियानी रात, रविवार और सोमवार के दरमियानी रात जो है दो चोर आते हैं। टॉकीज के अंदर घुसते ही यहाँ के जो गार्ड्स थे, यहाँ पर बताया जा रहा है दो गार्ड्स थे, उन दोनों गार्ड्स के साथ मारपीट होती है और गार्ड्स को जो है किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसके बाद बॉक्स ऑफिस का ताला तोड़ा जाता है। उसके बाद बॉक्स ऑफिस में रखे सेफ पेटी में जो कलेक्शंस हैं, जो पूरे दिन भर के जो कलेक्शंस थे, उस कलेक्शन को उठा कर जो है यहाँ से भाग निकलते हैं, फरार हो जाते हैं। और साथ ही फरार तो होते ही हैं, साथ ही स्टॉकीज में लगे जो तमाम कैमरेज हैं जो लगातार पूरे क्षेत्र को कवर करता है, उस कैमरे का जो CCTV फुटेज है उसका जो DVR फाइल होता है, DVR को भी लेकर भाग जाते हैं और उस DVR में एक और DVR होता है जो तोड़ दिया जाता है। उसी DVR को खोज कर पुलिस जो है उस DVR को खंगालती है तो एक फुटेज सामने आता है कि एक हेलमेट पहना हुआ है और एक किसी कपड़े से मुंह ढका हुआ है। तो ये दो नकाबपोश चोर जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ से लगभग 1,35,000 रुपए की रकम जो है लेकर फरार हो जाते हैं। इस घटना पर यहाँ के जो मैनेजर हैं इनका क्या कहना है ये हमने जानने की पूरी कोशिश की, मगर यहाँ पर इनके जो मैनेजर है इनको बोलने की इजाज़त नहीं मिली हुई है, इस कारण जो है ये कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। हमने इस पूरे मामले पर जो है पुष्टि करने के लिए भिलाई 3 थाना क्षेत्र के TI से बातचीत करने की कोशिश की कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कब की घटना है और जो रकम बताई जा रही है क्या उतनी ही रकम जो है चोरी की गई है और स्टॉकीज में कोई नुकसान पहुँचाया गया है कि नहीं। तमाम सवालों को लेकर हम वहाँ जाएंगे और उनसे भी बात करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस पूरी घटना को समझने का प्रयास करेंगे। ये परसों की घटना है और मुक्ता टॉकीज के मैनेजर के माध्यम से सूचना मिला था कि वहाँ पर में उसके जो गार्ड था उसके कमरे में बंद कर दिए थे और बॉक्स ऑफिस में जो रखे हुए सेफ बॉक्स और अन्य तिजोरी में रखा हुआ जो पैसा था, जो सैटरडे और संडे का जो कलेक्शन था, उसको कोई चोर जो है वहाँ पर से ले गया है करके। और इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जाके अभी तफ्तीश किए हैं तो वहाँ पर मैं देखे जो वहाँ जितने CCTV कैमरे लगे थे उसका जो DVR था उस DVR को भी उन्होंने काट दिया था। एक DVR जैसे तैसे टूटा हालत में मिला तो उसको छोड़कर हम उन लोगों ने देखा था तो उसमें दो लड़के हेलमेट लगाकर बाइक में वहाँ पर में टाकीज में आते हुए दिख रहे हैं। और जब गार्ड से भी हम लोगों ने पूछा तो गार्ड ने भी यही बताया कि जिस दौरान वो ड्यूटी पे था, लगभग 4:30 बजे के आसपास की घटना होगी, तो उस दौरान पे दो लोग मुंह में कपड़ा बांध कर आए। चूँकि क्या है कि वहाँ पर जो टाकीज का ऑनर था उसका लड़का कभी कभी गाड़ी लेने के लिए आता था तो उसको लगा कि वही आया होगा और उन्होंने बोला भी कि गाड़ी लेना है करके। जैसे ही वो आए तो चाकू उसके गर्दन पे टिका दिए और उसका मोबाइल भी ले लिए और लेके उसको सीधा अंदर टाकीज के अंदर में जो एक कमरा था, जो ऑनर का कमरा था, वहाँ पर ले जाके उसको बंद कर दिए। उसके बाद वहाँ पर टाकीज की जो चाबी थी उससे सेफ बॉक्स ऑफिस का भी उसमें चाबी लगा हुआ था, उसको उन्होंने खोला है, वहाँ से अंदर जाके फिर दराज में जो रखा हुआ था पैसा उसको निकाला और सेफ बॉक्स को उठाकर भी ले गए। अब अभी तक पुलिस जो है इसमें जो रूट पे जो लगे कैमरे हैं उस कैमरों को अभी चेक कर रही है जिसमें वो लड़के दिख रहे हैं और चूँकि दोनों के एक के मुंह पे पूरा कवर हुआ, एक का मुंह जो है वो पूरी तरीके से हेलमेट से ढका हुआ है और दूसरा जो है वो कपड़ा बांधा हुआ है, तो पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है और आने जाने वाले रूट और जो टोल प्लाजा वगैरह है उसको चेक कर रहे हैं। लगभग कितने रकम की चोरी की गई? 1,30,000 के आसपास के हैं।
जो कितने लोगों ने मिलकर चोरी की है इस बारे में कुछ? अभी तो सिर्फ दो लोग ही दिख रहे हैं बाइक में, ये हो सकता है कि एक आध दो और हो सकते हैं, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से सिर्फ दो दिख रहे हैं हमको। सिनेमा घर को कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश की है वहाँ पर कुछ तोड़फोड़? नहीं, वहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है। जो ऑनर का जो कमरा था उसको चूँकि बंद था वहाँ पर में जो उनका गार्ड जो है, तो वहाँ का जो स्टाफ जब सुबह आया था तो उसने चाबी नहीं होने की वजह से उसको फिर हैमर वगैरह से तोड़ा है, तोड़कर उसको दरवाजे को खोला था। तो इस पर लगातार जो है कार्रवाई जारी है। क्या कुछ और अपडेट्स आते हैं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। KP News को सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़े और भी तमाम अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।